एक स्कूल जहां बच्चों के भविष्य की नींव रखी जाती है, वह अचानक अपराध की गूंज से हिल उठा। सुबह की घंटी के बाद बच्चों के हंसी ठहाकों से गूंजने वाला स्कूल उस दिन किसी दूसरी ही कहानी का गवाह बना। मामला मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले का है। आज तक से जुड़े लोकेश चौरसिया की रिपोर्ट के मुताबिक जिले के धमौरा इलाके के शासकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल में सुरेंद्र कुमार सक्सेना प्रिंसिपल थे, जो छात्रों को सही राह दिखाने वाले शिक्षक थे और अपनी सख्ती में भी एक पिता का दुलार रखते थे। लेकिन शायद किसी को नहीं पता था कि उनकी यही सख्ती उनकी जिंदगी की आखिरी कहानी बन जाएगी। आरोपी छात्र जो उसी स्कूल में 12वीं क्लास में पढ़ता था, वो स्कूल का नाम बदनाम कर रहा था। लड़कियों पर अभद्र टिप्पणियां, असभ्य व्यवहार, ऐसे कृत्यों की शिकायतें जब हद पार करने लगी तो प्रिंसिपल ने उसका सामना किया, उसे समझाया, फिर घर वालों को बुलाकर चेतावनी दी। लेकिन सुधार की उम्मीद एक ऐसी बंद गली में बदल गई जहां नतीजा केवल क्रोध और प्रतिशोध था। फिर आई 6 दिसंबर की सुबह। हर दिन की तरह स्कूल में एक्टिविटीज चल रही थी, लेकिन लंच के बाद एक सन्नाटा गूंज उठा। आरोपी छात्र ने प्रिंसिपल के ऑफिस में उन्हें ढूंढा, पर वो वहां नहीं मिले। इसके बाद जो हुआ वो किसी डरावनी फिल्म जैसा था। वो छात्र बाथरूम में गया जहां प्रिंसिपल पहले से मौजूद थे। अचानक पीछे से कट्टे की आवाज गूंजी, गोली प्रिंसिपल के सिर पर लगी और वहीं उनकी जिंदगी का अंत हो गया। लेकिन ये सब यहीं खत्म नहीं हुआ। हत्या के बाद आरोपी नाबालिग छात्र प्रिंसिपल के ऑफिस में पहुंचा, स्कूटी की चाबी उठाई, हेलमेट को फेंका और कुर्सी तोड़ने की कोशिश की, जैसे कि वो इस व्यवस्था के हर प्रतीक को अपने गुस्से से कुचल देना चाहता था। इसके बाद आरोपी प्रिंसिपल की स्कूटी लेकर स्कूल से भाग गया। इस घटना का एक CCTV फुटेज भी सामने आया है, जिसमें आरोपी छात्र घटना को अंजाम देने के बाद मौके से भागते हुए दिखाई दे रहा है। हालांकि घटना के कुछ घंटे बाद पुलिस ने उसे नौगांव इलाके से गिरफ्तार कर लिया। कट्टा और स्कूटी भी जब्त कर ली गई है। इस मामले पर छतरपुर के SP अगम जैन ने बताया कि आरोपी छात्र की हरकतों को लेकर प्रिंसिपल ने उसे टोका था, वो इसी बात से नाराज था। इसमें एक आरोपी है जिसने घटना की है, उसकी उम्र की तस्दीक की जा रही है, उसको इसमें गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या ये मुख्य आरोपी है? हाँ, ये मुख्य आरोपी है और इसके पास से जो अवैध हथियार है और जो स्कूटी है वो बरामद की गई। सर, क्या कारण थे, क्यों मारा इसने? अभी इसमें पूछताछ चल रही है। प्राथमिक तौर पर ये समझ में आया है कि जो प्राचार्य महोदय थे उनके द्वारा इसे टोका गया था कि इस तरह से अनावश्यक हरकत न करे, पढ़ाई पर ध्यान दे, तो उसके कारण से इसके दिमाग में था और उसने ये घटना को अंजाम दिया। क्या सर, ये पहले भी हथियार लेकर स्कूल जाता था? इसकी जांच की जा रही है कि क्या इसका कैरेक्टर कैसा था स्कूल में, सर पूछताछ की जा रही है, उस आधार पर बताना संभव होगा। सर, बच्चे से छेड़छाड़ की थी? अभी ऐसा तथ्य तो सामने नहीं आया, लेकिन चूंकि अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, ऐसे तथ्य सामने आएंगे तो वो भी सुसंगत धारा इसमें बढ़ाई जाएगी। सर, इसको कहाँ से गिरफ्तार किया गया? इसको हमारी टीम ने गिरफ्तार किया है और नौगांव सब डिवीजन के पास में इसको गिरफ्तार किया। अब सवाल उठता है कि उस नाबालिग स्टूडेंट के पास कट्टा आया कहाँ से, और उससे भी बड़ा सवाल, हमारा समाज ऐसा क्यों बनता जा रहा है जहां बच्चे इस हद तक गुस्से में बहक जाते हैं। इस घटना को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी RP प्रजापति ने क्या कहा, आपको वो भी सुनवाते हैं। स्कूल में क्या हुआ है? अभी जानकारी ले रहा हूं। जितनी जानकारी? हाँ, मैं बता दे रहा हूं। क्या घटना? क्या अभी घटना ये घटित हुई है कि किसी लड़के से छात्र ने प्राचार्य श्री SK सक्सेना को गोली मार दी है, और उसकी जो विस्तृत जानकारी हो मैं अभी हाल में शिक्षकों से ले रहा हूँ। छात्र ने मारी? हाँ, ये जानकारी ये मिली है कि सदम यादव करके कोई लड़का है, उसके द्वारा ये गोली मारी गई है। कौन सी क्लास? कक्षा 12वीं का छात्र। स्कूल में कब से पदस्थ प्रिंसिपल? ये लगभग 5 साल से पदस्थ थी। नहीं, मुझे कोई जानकारी नहीं मिली है, आज पर्यंत भी मुझे जानकारी नहीं मिली है कि किसी छात्र के साथ में कोई विवाद था। टॉयलेट के पास CCTV कैमरा लगा है क्या? अभी मैं दिखवा लेता हूँ। कैसे, क्या, कहाँ पे मारी गई है, थोड़ा ये बताएंगे सर? ये अब वहाँ पे पहुंच ही नहीं पाया। कुछ तो पता होगा अपनी देर से, कुछ तो पता होगा। हाँ, ये जानकारी मिली है कि गोली मार दी गई है और टॉयलेट में टॉयलेट हाँ टॉयलेट कैसे ये क्या ये भी शिक्षकों ने क्या जानकारी दी? शिक्षकों ने जानकारी दी है कि सर जैसे ही वहाँ पर टॉयलेट करने के लिए गए हैं तो अचानक उनको गोली की आवाज आई,
और वो वहाँ पर नीचे गिर गए हैं, ये जानकारी मुझे नहीं सर। लेकिन यहाँ आंगन में भी दिख रहा है जैसे विवाद हुआ हो उनका हेलमेट। मैं शिक्षकों से ले रहा हूँ, इसके संबंध में जानकारी, मैं शिक्षकों के साथ जानकारी ले रहा हूँ कि क्या विवाद हुआ है। जो शूटर है वो सर्किट स्कूटी भी लेके चला गया है, ये भी जानकारी नहीं, मैं इसके पूरी विस्तृत जानकारी ले रहा हूँ, फिर आपको बताऊंगा। बच्चे ने आरोप भी लगाए हैं। मैं कह तो रहा हूँ कि जैसी हमें पूरी जानकारी मिल रही है तो मैं बता रहा हूँ। ये घटना महज एक हत्या नहीं है, ये हमारे समाज और शिक्षा व्यवस्था पर एक गहरा तमाचा है। जहाँ शिक्षा बच्चों को अनुशासन और नैतिकता सिखाने का वादा करती है, वहीं ऐसे मामले उस दावे की पोल खोल देते हैं कि छात्र के भीतर इतना गुस्सा क्यों था। क्या परिवार ने उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश की? क्या स्कूल ने उसकी मानसिक स्थिति पर ध्यान दिया? और सबसे अहम, क्या हमारा समाज उन मूल्यों की कमी महसूस कर रहा है जो बच्चों को सही और गलत के बीच का अंतर समझा सके? छतरपुर की यह घटना हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या ये सिर्फ एक सिरफिरे लड़के का अपराध है या एक ऐसा सिस्टम जो बच्चों को सहनशीलता और संवाद सिखाने में असफल रहा। क्योंकि अगर आज एक स्कूल में बंदूक चली है तो कल ये हमारे समाज के किसी और हिस्से में भी गूंज सकती है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए थे हमारे साथी आर्य मिश्रा। मेरा नाम विकास वर्मा है, देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।